नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, खमा गणी सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत फिल्म दिखाने वाले हैं। द फ्रेग्रेंस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। ये फिल्म का डिटेल कुछ इस तरह से है दोस्तों। ये फिल्म जो है बहुत ही कमाल की लाइन से और बहुत ही यूनिक घोड़े की बच्ची है। इस फिली के सायर का नाम है गजराज, और गजराज है आलिशान का डायरेक्ट बच्चा। और आलिशान का गजराज और गजराज की ये बच्ची, और ये गजराज जो है वो नारलई में स्टेबल है। नारलई, अजीत सिंह नारलई जो हैं, राव अजीत सिंह नारलई, उनके वहाँ पे वो स्टेबल है, और काफ़ी अट्रैक्टिव और एक्टिव घोड़ा वो है। उसकी ये बच्ची है, और इसकी डैम जो है वो डायरेक्ट सुंदर से है। सुंदर हो गया आपका देवदरबार लाइन का घोड़ा, तो देवदरबार और आलिशान का कॉम्बिनेशन है ये फिली। बहुत ही एक्टिव और कमाल की ये फिली है। इसकी हाइट लगभग 59 के करीब है, और बहुत ही सुंदर ये फिली है। और ये स्टेबल है दिव्य करण स्टड फार्म में, और इसके ऑनर हैं हितेंद्र सिंह राठौड़। मिस्टर हितेंद्र सिंह राठौड़ का जो ये फार्म है दिव्य करण स्टड फार्म, ये मंडा स्टड फार्म के करीब है। मंडा जो जोबनेर के पास में जो मंडा है, वहाँ से करीब ये स्टड फार्म है, दिव्य करण स्टड फार्म। तो दोस्तों, आप लोग विजिट कर सकते हैं इस फार्म पे। बहुत ही सुंदर अश्व इन्होंने रखे हुए हैं, और ख़ास तौर पे ये फिली जो आप देख रहे हैं, बहुत ही कमाल की ये फिली है। इसका एटीट्यूड देखते ही बनता है। इसकी ईयर पोजिशंस, नेक करेज, और इसका मारवाड़ी होने का जो नखरा इसका आप देख रहे हैं वीडियो में, वो बहुत ही कमाल का है। तो इस करके लस्ट फ्रेग्रेंस की हमेशा कोशिश रहती है कि अच्छे से अच्छे अश्व और उनको अच्छे से अच्छे तरीके से शूट किया जाए, फिल्माया जाए और आप लोगों तक पहुंचाया जाए। तो दोस्तों, कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे कि आपको ये फिली कैसी लगी, और गजराज घोड़े के बच्चे आपको शायद आपने पहले भी देखे हों, लेकिन गजराज घोड़े के बच्चे देखना भी एक अपने आप में यूनिक बात है। वो घोड़ा नारले में है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है। तो धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही चैनल को प्यार देते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। नए लोग जो इस वीडियो जो वीडियोस पे आ रहे हैं, और नए लोग जो वीडियो को देखते हैं, वो सिर्फ वीडियो को सिर्फ देखने के बजाय उसको सब्सक्राइब भी करें चैनल को, वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर मेरे बढ़ पाएँ चैनल के, और डस्ट फ्रेग्रेंस चैनल और भी अच्छा मेहनत से आप लोगों तक अच्छे अच्छे वीडियोस पहुंचा पाए। चैनल को बहुत ज़्यादा प्यार देने के लिए जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही चैनल को प्यार देते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि दिव्य करण की ये खास फिली आपको किस तरह कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।